गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ड्राइंग में मेमोरी ड्राइंग देखने वाले हैं। तो आपका मेमोरी ड्राइंग का टॉपिक है ट्री प्लांटेशन। इसमें हमें ट्री प्लांटेशन करते हुए दिखाना है। तो आपको कौन सा भी एरिया आप ले सकते हो, स्कूल का कैंपस हो या बिल्डिंग के नीचे का एरिया हो या गार्डन हो, इस तरह का कौन सा भी सीन आप ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको जो फिगर्स निकालने हैं वो आपके स्कूल के यूनिफॉर्म में आपको निकालना है। मतलब स्कूल ने ये ट्री प्लांटेशन अरेंज किया है, ऐसे इसमें हमें दिखाना है। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिगर्स निकालने हैं। हर एक फिगर की या हर एक बच्चे की अलग अलग मूवमेंट आपको दिखानी है। मतलब कोई ट्री प्लांट कर रहा है या कोई गड्ढा खोद रहा है, कोई ट्री प्लांट की हुई है और उसको पानी डाल रहा है, कोई हाथ में ट्री लेके हुए खड़ा है, इस तरह अलग अलग पोजीशंस आपको दिखाने हैं का ताकि वो हमें ट्री प्लांटेशन का जो हमने टॉपिक लिया है वो अच्छी तरह से वहाँ पे दिखना चाहिए और वो समझ में आना चाहिए। इसलिए हमें हर एक की मूवमेंट अलग अलग दिखानी है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि किस तरह हमें ड्राइंग करना है। ये आपको दिखाई दे रहा है स्कूल के ही बच्चे हैं, वो ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। आगे आपको दो बच्चे दिख रहे हैं, एक बच्चा नीचे बैठा हुआ है और वो ट्री प्लांट कर रहा है और ट्री प्लांट करके हुआ है, और दूसरी जो लड़की खड़ी हुई है गर्ल, वो उसको पानी डाल रही है। इसके पीछे जो है दो बच्चे, एक गड्ढा खोद रहा है और एक लड़की ट्री लेके खड़ी हुई है, मतलब वो वहाँ पे वो ट्री लगाने वाले हैं। उसके बाद उसके पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हो, पीछे एक बिल्डिंग है, वो स्कूल की ही बिल्डिंग है। मतलब ये स्कूल के कैंपस में ही ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। तो उसके साइड में जो एरिया है उसमें ये ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। जो कैंपस आपको दिख रहा है उसी में ये ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। इनका स्कूल का ही यूनिफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह हमें हमारे ड्राइंग में इसी तरह का स्कूल का यूनिफॉर्म, हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म इसमें दिखना चाहिए। मतलब ये समझ में आएगा कि ये स्कूल ने अरेंज किया हुआ इवेंट है, मतलब ट्री प्लांटेशन स्कूल ने ही रखा हुआ है। इस तरह आपको ये ड्राइंग करना है। इसमें जो कलर्स यूज़ किए वो वाटर कलर यूज़ किए हैं। आपको भी वाटर कलर या पोस्टर कलर आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा डिटेलिंग्स निकालने हैं तो आप कलर पेंसिल और ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हो। और इनके ड्रेस के ऊपर के या ट्री के ऊपर के डिटेल्स आपको अगर अच्छी तरह से करने हैं तो आप कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हो। इस तरह ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। पीछे आप देखो, पीछे जो स्काई दिखाई हुआ है वो बहुत ही लाइट दिखाया है, उसके आगे 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 करते डार्क डार्क कलर यूज़ किए गए हैं। तो इसमें इस तरह से कलर यूज़ करने के बाद जो ड्राइंग की डेप्थ है वो अच्छी तरह से समझ में आती है। कौन सी चीज़ दूर है, कौन सी चीज़ पास है, ये कलर के यूज़ करने से, मतलब लाइट डार्क कलर यूज़ करने से ये हमें दिखाई देता है। मतलब हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इस तरह आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है और इसकी फ़ोटो निकाल के मुझे भेज देनी है ताकि मैं वो चेक कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।